नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशियल के एग्जाम की, अभी बहुत सारे स्टेट ने जो है बहुत सारे एग्जाम दे रखे। अभी हाल ही में आप सबको पता होगा राजस्थान का प्री एग्जाम हुआ है, आरजीएस भी हुआ था अभी आप लोगों के 2020 भर में, ठीक है। इसी के साथ साथ क्योंकि हर साल वैकेंसी आनी होती है तो कोरोना की वजह से रहेगी, तो लास्ट टाइम भी वैकेंसी मर्ज थी। किस किस की मर्ज थी? 2021 की भी थी और 2020 की थी, यदि आप लोगों को याद हो तो। इसकी 31 थी और इसकी 89 थी। तो जैसे कि हर साल जो है वैकेंसीज आती हैं, ठीक वैसे ही आज फिर से राजस्थान ने अपनी अगली सीटों को अनाउंस कर दिया है। और कितनी सीट अनाउंस की है, यानी राजस्थान ने 2022 की 83 सीट्स अनाउंस कर दी है। अभी क्या चल रहा है आपका जनवरी। अब आप लोग जब ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टेंशन हो रहा है कि कब एग्जाम होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा। तो जनरली जो यहाँ का रूल चलता है उस रूल के अकॉर्डिंग रहता है कि नवंबर में ये लोग फॉर्म निकालते हैं और मार्च में प्री का एग्जाम कराते हैं, ये जो है इनका रोटेशन चलता है। लेकिन कोरोना की वजह से चीजें बदल भी गई हैं। तो आपके मन में आ रहा है कि ये एग्जाम जो आज निकली ये ओनली अनाउंसमेंट है। क्या ये ओनली अनाउंसमेंट है? पहले अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं, एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म फिल होने के बाद एग्जाम की डेट आती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि आपके लिए सीट अनाउंस हो गई तो आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए कि चलो फिर से राजस्थान आ रहा है, ये श्योर हो गया। जैसे एमपी दोबारा आया, एमपी के फॉर्म भर गए, है ना, तो ठीक वैसे ही। तो क्योंकि अब आपके मन में आएगा कि पिछला एग्जाम नहीं हुआ, तो देखिए पिछला जो भी आरजीएस प्री हुआ उसका मेन एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में है, उससे पहले बाकी कोरोना की सिचुएशन है, अप्रैल में होने की चांसेस है। तो उसका अप्रैल में एग्जाम होता है मेन का, 2-3 महीने बाद इंटरव्यू होता है, तो ऐसे करते करते सितंबर तक वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे वो कंप्लीट होता है वैसे इसका फॉर्म निकलता है। तो आप मान के चलो कि फॉर्म 2022 में निकल जाएंगे, फॉर्म जो इसके है वो आपके 2022 में निकल जाएंगे। अब एग्जाम जो है वो 2022 में भी हो सकता है और वो एग्जाम जो है 2023 में भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो आप ये सोचो ना कि जो जनवरी 2022 फर्स्ट जनवरी आपने सेलिब्रेट की थी उसके निकले वास्त तो आपके 27 डेज हो गए, आपको पता ही नहीं चला इतना जल्दी समय निकलता है। तो जब अनाउंसमेंट होगा समय कभी भी निकल जाएगा। तो अब आपको ये नहीं सोचना है फॉर्म कब निकलेगा, अब आपको ये नहीं सोचना है डेट कब आएगी, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको फिर से ईश्वर ने एक मौका दिया है आरजीएस करने के लिए, तो बस आज से अपनी तैयारी में लग जाओ क्योंकि चीज 100% क्लियर होगी आएगी। नहीं तो ये लगता ना कब आएगी कब आएगी कब आएगी वाला कांसेप्ट खत्म हो गया। तो अभी आपको फॉर्म कब निकलेगा नो झिझक, डेट कब आएगी नो झिझक, सिर्फ झिझक है मुझे आज से पढ़ना क्योंकि ईश्वर ने मुझे दूसरा मौका दिया, इस मौके को मैं नहीं छोड़ू, ठीक है। तो बस ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान ने फिर से 83 अनाउंसमेंट कर लिए, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आज के लिए धन्यवाद।